आज हम आपके साथ शेयर करेंगे सालों साल चलने वाला आम का ये मीठा अचार, जो कि आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत ही चटपटा, खट्टा, मीठा बनकर के तैयार होता है और बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए इस आसान सी अचार की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 1 kg आम ले लिया है। इस तरह से आम को अपने मनपसंद के साइज से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे और अच्छी तरह से धो करके 2 घंटे के लिए धूप में डाल देंगे। तो हमने इन्हें अच्छे से धूप में सुखा लिया है। आप देख सकते हैं इनका जो भी पानी है ना, वो सूख गया है। तो अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी का पाउडर, खाने के चम्मच से 1.5 चम्मच डालेंगे नमक, और अब इन्हें अच्छे से मिला लेंगे ताकि नमक और हल्दी अच्छे से मिल जाए। जब हम नमक और हल्दी डालेंगे ना, तो आम जो है ना बहुत सारा पानी छोड़ेगा, जिससे कि अचार में जो खटास है ना, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इन्हें धूप में छोड़ देंगे। अभी जो है दिन के 2:30 बजे हैं और 2:30 बजे हमने नमक हल्दी डाल करके इसे धूप में छोड़ दिया है। 2 घंटे के करीब इसे धूप में रखेंगे और उसके बाद से इसे ढक करके रात को ऐसे ही छोड़ देंगे। और अब आप देख सकते हैं सुबह के 11 बज गए हैं और आम जो है ना, जितना पानी छोड़ना था वो छोड़ दिया है। और आम का जो पीस है ना, यानी जो इसका अचार बनेगा ना, वो लगभग सॉफ्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसे सेपरेट किसी थाली या प्लेट में या किसी भी चीज़ में इसे फैला करके इस तरह से रख देना है, ताकि इसमें जो पानी लगा हुआ है ना, वो अच्छे से सूख जाए। अगर हम इस तरह से बनाएंगे ना, तो अचार जो है ना सालों साल चलेगा। और अब इसे सूखने के लिए रख देंगे। जब तक ये धूप में सूखेगा, हम मसाले तैयार कर लेंगे। और अब एक पैन लेंगे, गैस के फ्लेम को लो में रखेंगे और अब इसमें मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने 2 चम्मच लिया है धनिया, 1 चम्मच लेंगे मेथी, 1 चम्मच है काली मिर्च, 2 चम्मच लेंगे जीरा, 1.5 चम्मच के करीब लेंगे सौंफ। और अब हमें इन मसालों को धीमी धीमी आंच पे सुनहरा होने तक भून लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मसाले हैं ना, वो भून गए हैं। तो हम गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और ऑफ़ करने के बाद हम इसमें सरसों डालेंगे और सरसों को इसी तरह मसालों के साथ छोड़ देंगे, ताकि मसालों के गर्मी से जो है ना, सरसों भी गर्म हो जाएगा। और अब कुछ देर के लिए इन्हें छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। और जैसे ये ठंडा हो जाएगा, इनका पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। अब चलते हैं आम की तरफ। तो यहाँ आप देख सकते हैं आम जो है ना, बहुत अच्छे से सूख गया है। और अब क्या करेंगे, इसे किसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और हमने जो मसालों का पाउडर बनाया था ना, उसे भी डाल देंगे। 2 चम्मच के करीब अजवाइन और मंगरेला है, इसे हाथों से थोड़ा सा मसल लेंगे तब डालेंगे। और अब इसमें सरसों का तेल डालेंगे। तो तेल हमें उतना ही डालना है जितना कि मसाले जो है अच्छे से सन जाए। और अब इसमें नमक डालेंगे। तो 1.5 चम्मच के करीब हमने नमक डाला है, नमक इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। 1.5 चम्मच डालेंगे तीखा वाला लाल मिर्ची का पाउडर और 1/2 चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर, इससे अच्छा कलर आएगा अचार में। और अब इसमें डालेंगे गुड़। तो 1 kg आम में मैंने 300 ग्राम के करीब गुड़ लिया है। गुड़ को अच्छे से बारीक कर लिया है और अब इनको मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ और ढक करके इसे 2 दिन तक धूप में सुखाएंगे, ताकि जो गुड़ है ना, वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। और अब आप देख सकते हैं कि पूरे 2 दिन हो चुके हैं और इसमें का जो गुड़ है ना, बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया है, बहुत ही टेस्टी दिख रहा है। तो अब इसे हम क्या करेंगे, किसी जार में डाल देंगे। और अब इसमें सरसों का तेल डालेंगे। तो 100 ग्राम के करीब हमने सरसों का तेल लिया है। तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और जब तेल ठंडा हो जाएगा ना, तभी डालेंगे। बोतल को थोड़ा सेक कर लेंगे ताकि तेल जो है ना, अच्छी तरह से चारों तरफ फैल जाए। और अब इसे हमें धूप में कम से कम 10 से 15 दिन तक सुखा लेना है, ताकि जो मसाले हैं ना, वो अच्छे से पक जाएँ।